सही है आपका, बढ़िया। और ऐसा लगता है आपने काफी तैयारी भी की है। और सर मेरा ये जो 2018 में LLM हुई थी उसके बाद जैसे गैप ईयर डिफाइन करना हो तो फिर कैसे कर सकते? 2018 में LLM हुई थी उसके बाद मैंने टीचिंग की तरफ फील्ड की तरफ 18 में आपका LLM हो गया। यस सर। अब आप कह रहे हो ये जो 24 चल रहा था अब इसको मैं कैसे करूँ, बीच में क्या क्या किया था? सर मैंने टीचिंग फील्ड में जाने का फैसला लिया था इस वजह से मैं नेट सेट की तैयारी कर रही थी और मेरी क्लियर भी हो चुकी है नेट सेट। तो बस तो क्या मुझे कब शो क्लियर हुई करनी आपकी, चाहिए? कब क्लियर हुई है वो? वो भी 23 में, मतलब मैंने एग्जाम काफी दिए पर वो 23 में ही मेरा रिजल्ट वो मिला। आपकी क्लियर हो गई यस सर। तो ठीक है, तो ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है कि साहब 2 साल तो कोरोना में निकल गए। यस सर, मैंने एक्चुअल तैयारी उसके बाद से स्टार्ट की। ये कोरोना के 18 में हुई है तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए। कोरोना के पीरियड को तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम किया हुआ और 2 साल कोरोना में निकल गए, बाकी में तैयारी कर रहे हैं। मेरे इसी बीच मेरा स्लेट भी हो गया, नेट भी हो गया और मैं अभी आपके सामने भी हूँ। सर शो करना चाहिए इसे, नहीं करना चाहिए नेट सेट को? इसमें तो जरूरत क्या आ रही है आपको? रहने देते हैं। मुझे कहेंगे जो तो नेट सेलेक्ट कर रखी है कहीं और लग जाए किसी दूसरे को, ठीक है। फिर रहने देती हूँ शो करना। आप तो कहते हो कि 2020 से 2022 एलमोस्ट वो कोरोना था, मतलब एक्टिव कोरोना, और उसके बाद का भी पीरियड थोड़ा सा, चूंकि अब आप बाद में शुरू करोगे एक्टिव एक्टिविटी, तो 22 के बाद 24 शुरू कर रहे हैं। यस जी, तो आपके गैप है नहीं ना जी सर। और फिर वैकेंसी अभी आई है? वैकेंसी अभी आई है सर कोरोना के बाद। हाँ वैकेंसी अभी आई है, इसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ये वाली बात है। ठीक है, अच्छा है। थैंक यू सर।